हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मथुरा वाई टी में। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक और कॉमेडी वीडियो। धनवा, एक बात पूछू तोते? हाँ पूछ। यू जो हमारे सामने लड़की खड़ी का यहाँ की तरफ देख और तू मुझको यू बता, या लड़की में तुमको कौन सी अजीब बात देख रही है? हाँ? अजीब बात मतलब? अरे मैं यू कह रहा हूँ, तुमको या लड़की की तरफ देखने पे कुछ अजीब लग रहा हो ना लग रहा? हाँ लग तो रहा हूँ यहाँ की तरफ देखने पे कुछ अजीब। तो मैं यही बात है तो कह रहा हूँ, बताइए मुझको कहाँ अजीब लग रहा हो तुमको? या लड़की में मुझको तो बहुत कुछ अजीब लग रहा है। हाँ? जैसे कि यहाँ के बाल। अब तू ही बताइए पीरे बाल कौन करवावे? हाँ? चल मैंने मान लिया ने पीरे बाल करवा लिए तो यहाँ की लाल सी चिमटी लगाने की क्या जरूरत बारन में? मुझको तो बिल्कुल भी अच्छी ना लग रही यहाँ के पीरे बारन में लाल चिमटी। अगर यू काली चिमटी लगा के आती तो अच्छी लगती, लाल का अच्छी लग रही है। मुझको तो पूरी अजीब लग रही है, यू पीरे बाल, लाल चिमटी, बैगनी टी शर्ट और हरों सा बैग लटका रखो है, का अच्छी लग रही है यू? सतरंगी बन के आई है बिल्कुल। लोग तो सगरी अजीब बात देख रही है यहाँ में। अरे तू काई को सुबह सुबह मेरे हाथ में खुराक मांग रहा है? तेरे तो कान पे धर दिया ना, तेरी अभी अकल ठिकाने पे आ जाएगी ना। मैंने तो यहाँ की बार चिमटी टी शर्ट देखने की कही है कोई? सतरंगी बन के आई है ना, सतरंगी बन के आई है। तो फिर तू ही बता दे तू का अजीब लग रहा है यहाँ में। मोकू यहाँ में यू अजीब बात लग रही है, मैंने आज तक कोई ऐसी लड़की ना देखी जो कौवा की शौकीन हो, जो मैं कौवा पा रहा हूँ। मैंने लड़की बिल्ली पारती हुई देखी है, तोता पारती हुई देखी है, कुत्ता पारती हुई देखी है, पर कौवा कौवा कौन पा रहा है? और यह सास की कौवा पार रहा हूँ, मूड खराब है रो मेरा यहाँ कौवा देख देख के। नहीं तू ही बता दे, तेने आज तक कोई ऐसी लड़की देखी है जो मैं कौवा पा रहा हूँ? हाँ यह बात पे तो गौर ही ना दियो, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ पालतू कौवा। और या कौवा को भी या ना कुछ नाम रख रखा हो वहाँ? ए ना कौवा ही कहती होगी या को का नाम रखेगी? अरे जब या ने कौवा पार रखो तो या तो कौवा थोड़ी कहती होगी, यू या को कुछ ना कुछ नाम रख रखा होगा या ने? हाँ ऐसे कुत्ता को नाम रख दे, टॉमी, जैकी, टाइगर, ऐसा कुछ या ने कौवा का नाम रख रखा होगा? हाँ सही कह रहा, तू रख रखा होगा कुछ ना कुछ नाम या ने। भज्जी मेरे घर पे तो मोगू कोई कौवा पार नहीं ना देगा। अगर गलती से हमारे घर के आसपास कौवा किल्लान लगे ना तो मम्मी बहुत परेशान है जावे, मोते कहवे के भजिया कौवा भगा के आइए जल्दी, देखियो किल्ला रहो हमारी छत पे बैठ के। तेरी मम्मी काहे को परेशान है जावे कौवा के किल्लाने से? अरे भज्जी मेरी मम्मी को यूं मानना है, अगर कोई कौवा हमारे घर के आसपास बैठ के किल्लान लगेगा ना तो मेरी मम्मी को लगे कोई रिश्तेदार आएगा घर, तो फिर वह कौवा उड़वा दे हमारी मम्मी जो रिश्तेदार नाम है घर। रिश्तेदार में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अरे वो खर्चा पानी है जाए ना, जब रिश्तेदार आ जाए घर पे तो हमारी मम्मी कौवा बउआ बैठने दे घर के आसपास, उड़वा दे मोते, उन्हें लगे कौवा के चिल्लाने पे रिश्तेदार आ जाए घर पे। तुम लोड़ू के लोड़ू चंदे रहोगे? हाँ तू भी लोड़ू और तेरे घरवारे भी लोड़ू, खामखा की दिमाग चलाने तेरी तरह तेरे घरवारे भी। मेरे घरवारे के बारे में कुछ मत बोल। हाँ भज्जी क्यों बुरी लग गई? जब तक बुरी नहीं लगती होगी जब तेरी मम्मी तोते कहती होगी कि ये कौवा भगाया बाहर जाके, नहीं रिश्तेदार आ जाएंगे घर पे, वो तो अच्छी बात लगे। मेरी बात नहीं, एक देर में बुरी लग गई तो चल इन बात ने छोड़, या लड़की तो या कौवा को नाम पूछेंगे का नाम है याको, हम भी तो देखे यानी कौवा पाल तो रखो या को कौवा ही कह के बुलावे यानी या को कुछ नाम भी रख रखो है। हाँ सही कह रहा, पूछना चाहिए हमें। हेलो वीडियो पसंद आ रही है? हाँ बताइए। कर दीजिए सभी नाइस का बोले कौवा को इंग्लिश में? कौवा को कौवा को बोले कौवास। कौवास कौवास ना कौवास कौआस ऐसे ऐसे बोले कौवास ऐसे। हाँ हाँ यू ही बोले, अब कैसे ही बोलिए तेने? नाइस कौवास क्या? अरे मैं यू कह रहा हूँ आपको जो पालतू कौआस जो है ना बहुत बहुत अच्छा है। क्या होता है कौआस? जब तुम पे इंग्लिश ना आवे तो हिंदी में ही बात कर लो, हिंदी आवे मो पे क्या कौआस ना कौआस। हाँ मैं यू कह रहा हूँ आपको जो पालतू कौआ है ना बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। वैसे इसका नाम कौआ नहीं है, इसका नाम है कोकिला। का कोकिला नाम है आपका? हाँ कोकिला नाम है इसका। लड़की दी है ये कोकिला है, सुने भी है ये कोकिला का नाम थे के खाओ खाई कोकिला नाम रख दिया यार का। मतलब यू जैसे कुत्ता को नाम टॉमी रख दिए, वो टॉमी के कहने पे आ जावे, ऐसे यू तुम्हारी कोकिला है का यू तुम्हारे बुलाने पे आ भी जावे या ना आवे?
अरे क्यों नहीं आएगी, हर बात मानती है मेरा ये। अच्छी है ओ कोकिला 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 भूक भूक। कहीं ना सुनने तुम्हारी कोकिला तो तुम आवाज मारी है तू। मेरी कोकिला बाबू एक जगह पर चल के दिखाओ। वेरी गुड कोकिला, अब हवा में उड़कर दिखाओ। कोकिला अपनी मैडम के चांद पर मूत कर दिखाओ। अच्छा या बात ना मानेगी यू है। अरे कोकिला शिकार आती है कोकिला याने, यही की बात ना माननी है, हमारी बात नहीं माननी। हाँ सही कह रहा तू, मुझे ना पता ही कौवा भी इतने समझदार हूँ मैं। आ जा मम्मी। कैसे परेशान हो तुम? अब क्या बताऊं बेटा तेरे को। कैसे भज्जी की मम्मी, अभी तेरा पेट का दर्द ठीक ना आएगा? अगर मेरे पेट का दर्द ठीक होता तो मैं ऐसे मुंह लटका के बैठी रहती। पर तू तो रोज दवाई खा रही है फिर भी तेरा पेट का दर्द ठीक ना हुआ। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उन दवाइयों से। ए पापा जब मम्मी को उन दवाइयों से कुछ आराम ही ना पड़ रहा हो तो क्यों उन दवाइयों में खवा रहे हो तुम मम्मी? दवाई चेंज करो, डॉक्टर चेंज करो और हॉस्पिटल चेंज करो, सब कुछ चेंज कर दो, पर मम्मी को दर्द ठीक है जाना चाहिए पापा। हाँ ये सही नहीं है रहा मम्मी के संग। हाँ देखिए एक बार मम्मी के चेहरे की तरफ, मम्मी कितनी परेशान है रही है वह पेट के दर्द से। जल्दी से जल्दी कैसे ना कैसे करके ठीक करवाओ पापा मम्मी के पेट के दर्द है। हाँ मम्मी बहुत परेशान है। हाँ वो पे मम्मी का दर्द देखो नहीं जा रहा बिल्कुल भी। अब बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में थोड़ी है, ये तो डॉक्टरों के हाथ में है। मैंने जन कितने डॉक्टर चेंज कर दिए, जन कितनी दवाइयाँ चेंज कर दी, फिर भी तेरी मम्मी का पेट का दर्द नहीं जा रहा है। पता नहीं कैसा दर्द है, अब कितने डॉक्टर चेंज करूँ मैं। अरे बहन क्या हुआ, कैसे परेशान है? अब क्या बताऊं बहन तुझको, मेरे 3-4 महीने से पेट का दर्द नहीं जा रहा है। हाँ मैंने जन कितनी दवाइयाँ खा ली, कितने डॉक्टर चेंज कर लिए, पर मेरे पेट का दर्द ठीक नहीं होके दे रहा है। हाँ किसी अच्छे से डॉक्टर पर दिखाती ना बहन। अरे बहन भज्जी के पापा ने जन कितने महंगे से महंगे डॉक्टर चेंज कर दिए, पर वो मेरे पेट के दर्द को ठीक कर ही नहीं पा रहे हैं। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसा दर्द है कैसा दर्द नहीं है। मम्मी अभी तुम्हारा पेट का दर्द ठीक ना है? नहीं है भज्जी बेटा नहीं है। सही बात नहीं है पापा, ये तुम्हारे यहाँ तुम पर मम्मी का पेट का दर्द ठीक नहीं करवाया जा रहा है। कहाँ तला आया तुम डॉक्टर ने पकड़ पकड़ के जोन पर मम्मी का पेट का दर्द ठीक नहीं है रहा। लोग तो ऐसा लग रहा है पापा तुम मम्मी के पेट का दर्द भी ठीक करवाने में कंजूसी दिखा रहे हो। झोला साहब डॉक्टर ने ला रहे देखो घर में तुम। 3-4 महीना है गए मम्मी का पेट का दर्द ठीक है कि नहीं दे रहा, पता ना कौन कौन ला रहे घर में बुला के, वो पता ना कहाँ दे जाने मम्मी जो जो पेट का दर्द ठीक नहीं है मम्मी को। तुम्हारे जो पेट में दर्द हो गए वो तो एक दिन में ठीक है जाओगे, और मम्मी के पेट का दर्द 3-4 महीना है गए वो ठीक है कि नहीं दे रहा है। तुम्हारा दर्द दर्द है और मम्मी का दर्द कुछ ना है। वहाँ डॉक्टर ला घर पर बुला के जाते तुम अपने पेट का दर्द ठीक करवाओ, लोकल डॉक्टर ने दिखा रहे मम्मी। या अपने मुँह बंद करेगा ना करेगा या मैं बंद करूँ? ओए मुँह का बंद कर ले, तुम तो मम्मी की हालत नहीं देखी जा रही है, मम्मी कितनी परेशान है कितनी परेशान ना है। ढंग से ख्याल नहीं रख रही है मम्मी का तुम। तो बताओ ढंग से ख्याल ना रख रहा हूँ मैं, खूब ख्याल रख रहा हूँ तेरी मम्मी को मैं। अगर तुम मेरी मम्मी का खूब ख्याल रखते ना तो अब तक ये मम्मी का पेट का दर्द गायब है जाना चाहिए, पर गायब हो ही ना, तुम ख्याल ही ना रख रहे मम्मी को। अगर तुम मम्मी का ख्याल रखते तो यू अब तक पेट का दर्द ठीक है जाता मम्मी को। और कैसे ख्याल रखूं मैं तेरी मम्मी को, मैंने जन कितने डॉक्टर चेंज कर दिए, कितनी दवाइयां चेंज कर दी, फिर भी तेरी मम्मी का पेट का दर्द ना जा रहा, तो मैं करूं का फिर? सही डॉक्टर दिखाओ फिर करूं का मैं, फिर करूं का मैं, फिर कैसे होगा सही डॉक्टर जो सही दवाई देवे? तू ही बता दे फिर मोगू, ऐसा डॉक्टर कहाँ मिलेगा जो सही दवाई देवे? वाह तो तुम देखो कहाँ मिलेगा कहाँ ना मिलेगा। या पर्चा छुपवा दो। कैसा पर्चा? एक पर्चा छुपवाओ, वह पर्चा पर साफ साफ लिख दो जो मेरी पत्नी के पेट के दर्द ठीक करेगा वह को 1 करोड़ रुपए इनाम में दिया जाएगा। फिर देखो इनाम में सुनते ही कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर आएंगे, चुटकी में मम्मी के पेट का दर्द गायब कर देंगे वहाँ। पर तुम तो कंजूसी दिखा रहे हो ना। अरे तुम दोनों क्यों आपस में गुथ रहे हो, मेरी नजर में है ये कैसा जो तुम्हारी मम्मी के पेट के दर्द को चुटकी में दूर कर देगा। कहाँ पर है वो डॉक्टर? अरे वो कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, वो एक बाबा है। अरे आंटी तुम भी मूड खराब कर रही है, मेरा बाबा की जरूरत थोड़ी है, हमको हमको डॉक्टर की जरूरत है डॉक्टर की। अरे भज्जी बेटा वो कोई मामूली बाबा नहीं है, वो लोगों के दर्द को खींच लेता है और एक बोतल में बंद करके रख लेता है। चाहे किसी के पेट में दर्द हो, चाहे किसी के माथे में दर्द हो, चाहे किसी के घुटनों में दर्द हो, मेरे कहने का मतलब यह है कैसा भी दर्द हो वो उस दर्द को खींच लेता है और एक बोतल में बंद करके अपने पास रख लेता है। बोतल में बंद करके रख लिया दर्द को? अरे हाँ बेटा हाँ। ए आंटी मेरे मम्मी के पेट में दर्द है, दर्द सांप ना है जो सपेरा के बीन बजाते ही बाहर आ जाएगा और वो सपेरा फिर वायका बोतल में बंद कर देगा। ऐसे कैसे वो बाबा मम्मी के पेट का दर्द बाहर निकाल के बोतल में बंद कर लेगा? कैसी बात कर रही है तुम भी बताओ ना यहाँ के। अरे भज्जी बेटा मैं जो कुछ बोल रही हूँ ना वो बिल्कुल सही बोल रही हूँ, उस बाबा ने जिन कितनों के दर्दों को चुटकी में दूर किया है। रहने दो तुम, मेरा मूड खराब मत करो।
अरे भज्जी हो सकता है आंटी सही कह रही हो। मतलब मेरे मुंह में यू बात हजम ना है रही, ऐसा कैसे हो सके? पापा दर्द कोई कैसे बाहर निकाल सके है? और वो भी बाहर निकाल के कहीं बोतल में बंद कैसे जाएगा दर्द? तुम भी इनकी बातों पर विश्वास कर रही हो? ऐसा भी तो हो सके बाबा, अपने सकती हो। भज्जी की मम्मी तू बता, तेरे को क्या लगता है, तेरे को उस बाबा पर दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए? एक बार दिखा के देख ही लेती हैं, क्या पता सही हो जाए मेरे पेट का दर्द। वो बाबा मेरे पेट के दर्द को खींचकर अपने पास रख ले, हो भी तो सकता है ऐसा? हाँ हो सके क्यों ना हो सके ऐसा। तो फिर मैं कल लेकर चलूंगा तेरे को उस बाबा के पास। कहाँ रहता है वो बाबा और क्या नाम है उस बाबा का? उन बाबा को वैसे गुफा वाले बाबा ही कहते हैं, वो गुफा में रहते हैं ना। सुना है वो कभी गुफा से बाहर ही नहीं निकले हैं। कौन सी गुफा? वो मैं आज आपको एड्रेस दे दूंगी और कल आप वहाँ पहुँच जाना। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा तो बहन मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है बहन, ठीक है। यू जनानी यहाँ पे आके चूतिया पंती वाली बात कर गई और सब चूतिया बना भी गई मुँह छोड़ के। बस यू तो बिल्कुल नामुमकिन है, नामुमकिन। ऐसा कौन सा बाबा आ गया धरती पे जो पेट के दर्द खींच के बोतल में धर ले रहे? यू तो कहीं कुआ में तो पानी खींचने वाली बात है। कुआ में तो पानी तो हम खींच सके, पर या पेट में तो दर्द कौन खींच लेगा? यू खाम खाली बात कर रही है जनानी। तो को विश्वास ना है ना बाबा पे, तू मत जाइए बाकी, मैं तो जाऊंगो। ठीक है ना, जाऊंगा तो मैं भी देखूंगा कैसा दर्द खींचेगा मम्मी के। अब हम भी तो देखें ऐसा कौन सा बाबा आ गया धरती पे जो दर्द खींच के बोतल में बंद कर ले रहे। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे को देख रहे हो, मैं आया हूँ आज एक ऐसी गुफा के अंदर जिसके अंदर एक मैजिकल बाबा रहते हैं। जी हाँ, मैजिकल बाबा। तो गाइस यही है वो मैजिकल बाबा जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं ध्यान केंद्रित कर। आप विश्वास नहीं करोगे, यह बाबा किसी भी प्रकार के दर्द को अपने पास खींच लेते हैं और एक बोतल में बंद करके रख लेते हैं। जी हाँ सही सुना आपने। तो गाइस मैं आज आपको दिखाऊंगा यह बाबा किस प्रकार लोगों के दर्द को खींचते हैं और किस प्रकार बोतल में बंद करके रखते हैं। तो गाइस क्या लगता है आपको, यह बाबा सच में लोगों के दर्द को अपने पास खींच सकते हैं और बोतल में बंद करके रख सकते हैं? तो यही सब मैं आपको दिखाने के लिए इस गुफा के अंदर इतनी दूर आया हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल लौड़ू चंद पर। तो गाइस थोड़ी ही देर में आप सबको पता चल जाएगा इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और ये कितना झूठ बोल रहे हैं। ए भैया कितने बजे उठेंगे बाबा? ए भैया हमें कुछ जानकारी ना, मैं भी पहली बार आई हूँ, मेरे सिर में दर्द है ना, तो मैं भी अपने सिर के दर्द ठीक कराने आया हूँ। और मैडम तुम भी पहली बार ही आई हो क्या? जी हाँ मैं भी पहली बार आई हूँ। तुम्हारे कहाँ पर दर्द है? जी दो तीन दिन पे है ना, मेरी कमर में बहुत दर्द है, रहो तो मैं भी आ गई बाबा के पास अपने कमर के दर्द निकलवाने। वेरी गुड। तो जैसे कि आप सब यहाँ पर देख ही रहे हैं, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होने लगी है, लोग आने लगे हैं अपने दर्दों को लेकर। आप सबको क्या लगता है यह बाबा इन सब के दर्दों को ठीक कर पाएंगे? वो सब आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बस आप बने रहिए चैनल लौड़ू चंद पर। तो आप सब देख सकते हैं गाइस, बाबा जग चुके हैं और पता नहीं किस भाषा में मंत्र से पढ़ रहे हैं। बताइए बच्चे क्या प्रॉब्लम है? ए बाबा मुझे कोई परेशानी ना है, मैं तो बस आपको लाइव दिखाने आया हूँ अपनी पावी लेके, तुम कैसे लोगों के दर्द को दूर करोगे? तो यहाँ पर किसको परेशानी है बाबा? मेरी पत्नी बहुत परेशान है, या के पेट का दर्द नहीं जा रहा, या के पेट का दर्द दूर कर दो। हाँ मैंने जन कितनी दवाई खवा ली अपनी पत्नी को, पर या को पेट का दर्द नहीं जा रहा और निरे डॉक्टर बल दिए। हाँ अरे बेटा अब चिंता मत कर, तू मेरे पास आ गया तो मान ले तेरी सगरी परेशानियां दूर हो गई। गुफा वाले बाबा तेरे पत्नी के पेट के दर्द को अपने पास रख लेंगे और उसे बोतल में बंद कर देंगे। चिंता मत कर बेटा, बाबा की जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका। अरे का बाबा की जय हो, यू तुम्हारा चूतिया बनाने तो लग रहा हो और तुम चूतिया बन नहीं हो के बाबा की जय हो ना बाबा की जय हो कर दियो, यानी मम्मी को पेट का दर्द ठीक करने लगे तुम बाबा की जय हो ना बाबा की जय हो। तू शांत रहेगा या ना रहेगा बताऊं तो? अभी बाबा आप गुस्सा मत होइए, ये नादान है, ये बच्चा है, ये अभी ना समझ है बाबा, इसकी बातों का बुरा मत मानिए। कोई बात नहीं बाबा, आप मेरी जनता को ये बताइए आप ये सब कर कैसे लेते हो, ये पेट का दर्द आप कैसे खींच लेते हो, कहाँ से आई आप में इतनी शक्तियाँ? वो बेटा मैं 101 साल से इस गुफा में तपस्या कर रहा हूँ। कितनी बाबा, 101 साल? हाँ बेटी मैं 101 साल से इस गुफा के अंदर तपस्या कर रहा हूँ, मैंने बाहर की दुनिया भी नहीं देखी है। तो जैसे ही मैं तपस्या में लीन था तो एक दिन मेरे को पता चला कि क्या फायदा ये सब करने का, मेरे को 101 साल हो गए हैं तपस्या करते करते फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने इसी गुस्सा में अपना सिर एक पत्थर में दे मारा। तो फिर मेरे सिर में बहुत दर्द हुआ, फिर मैंने अपना हाथ अपने सिर की तरफ ले जाकर किया, अचानक ही मेरे सिर का दर्द गायब हो गया।
ऐसे पस पस करने से तुम्हारे सिर को दर्द गायब है? हाँ बेटे, जैसे ही मैंने अपने हाथ अपने सिर की तरफ ले जाकर पस पस किया तो मेरे सिर का दर्द गायब हो गया। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ ये कैसा चमत्कार है, तो फिर मैंने दोबारा यही चेक करने के लिए अपना सिर पत्थर में दे मारा और फिर मैंने फिस फिस किया तो फिर पता चला कि हाँ मेरे अंदर कोई मैजिकल पावर आ चुकी है। तभी मेरे को पता चला कि मेरे को शक्तियाँ मिल चुकी हैं। तो बाबा कैसे को दर्द दूर करके तो दिखाओ। जरूर बेटे जरूर। बेटी आप आइए मेरे पास। जब भजिक मम्मी, अब तेरा पेट का दर्द बिल्कुल ठीक है जाएगा। कहाँ दर्द हो रहा बेटी? पेट में बाबा। अब देखो कहाँ दर्द हो रहा है बाबा। अभी अब बता बेटी हो रहा है बाबा। अभी अरे बेटी अब नहीं दर्द हो रहा। अरे बाबा पर ये तो बता रही है दर्द हो रहा है। अरे कहीं दर्द नहीं हो रहा है इनके, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, आप मशीन लगा लीजिए इनके। पर बाबा ये तो आपके सामने बता रही है ना, इनके दर्द अब भी हो रहा है। आगे आइए। अब बताइए कहाँ दर्द हो रहा है? अभी नहीं हो रहा आपके दर्द, आप झूठ बोल रही हो, मैं प्रमाण दे के कह सकता हूँ। चाहे तो आप इनके मशीन लगा लीजिए, इनके दर्द नहीं हो रहा। पर बाबा मेरे तो दर्द हो रहा है अभी। बिल्कुल भी नहीं हो रहा दर्द। हो रहा है बाबा, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, आपके दर्द कहीं भी नहीं हो रहा। आप चाहे किसी भी वैद्य को बुला लीजिए, किसी भी डॉक्टर को बुला दीजिए, पर आपके दर्द नहीं हो रहा। मैं प्रमाण लिख के दे सकता हूँ। बाबा मैं भी प्रमाण दे रही हूँ, मेरे दर्द नहीं हो रहा। झूठ बोल रही हो आप। माधर चोद, मेरी मम्मी झूठा साबित कर रहा तू है। मेरी मम्मी झूठ बोल रही है, मतलब तेरे प्रमाण मैं देखूंगा। मम्मी ने पीछे को बनियो। अब हेरो मेरा सिर में दर्द, मेरे सिर का दर्द दूर कर जल्दी। अब मोया फाड़ रहा, मेरे सिर का दर्द दूर कर रहा ना कर रहा। मैं देखूं तेरे अंदर कैसी शक्ति है। रख जल्दी मेरे दर्द अपनी बोतल में। अब बता कहाँ। दोबारा सही कर, अभी मेरे सिर का दर्द ठीक ना है। दोबारा सही कर। ना हो पाएगा भैया। अरे क्यों ना होगा, दोबारा फिस फिस कर। फिस फिस करके और प्रमाण दे, मैं बताऊंगा सही हुआ ना हुआ। ना होगा भैया, ठीक ना होगा। अरे क्यों ना होगा, वैसे मैंने तेरे चक्कर में अपना सिर फोड़ा है, सही कर दे भैया जल्दी। ना हो पाएगा भैया, वो तो मैं बस। लौड़ू फिस फिस करके पैसा बना रो। दे रही हूँ नवाब प्रमाण, मशीन लगा ली जाए, है वो दर्द ठीक। हम पहले कह रहे थे ढोंगी है ढोंगी, पर ना हमारी बात में तो कहीं विश्वास ही ना। आ गए हैं खामा खाकी। तो गाइस आखिरकार ये बाबा ढोंगी निकला, ये कोई पेट वेट का दर्द को ठीक नहीं करता है, ये किसी के भी दर्द को ठीक नहीं कर पाता है, ये खामखा का प्रमाण देता है बाबा। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, ऐसे किसी भी ढोंगी बाबा पर विश्वास ना करें, ये बस फिस फिस करके लोगों का पैसा लूट लेते हैं। धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।